बीते दिनों भिलाई सेक्टर पाएच मार्केट में मेडिकल शॉप संचालक प्रमोद साहू पर मामूली विवाद को लेकर प्राणघातक हमला हुआ था। इसकी FIR कोतवाली थाना सेक्टर 6 भिलाई में दर्ज कराई गई। इसमें पीड़ित और आरोपी दोनों पर समान धारा लगाई है। इस पर साहू मित्र सभा भिलाई नगर ने कड़ी निंदा की। साहू मित्र सभा के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि हमें न्याय की उम्मीद है, न्याय नहीं मिलने की स्थिति में साहू समाज की ओर से धरना करी प्रदर्शन की जानकारी दी है। युवक है प्रमोद कुमार स्वामी जी, उसका सेक्टर 5 मेडिकल स्टोर है। एक शख्स है, किसी दवाई लेने के लिए आए थे और पैसे के नाम पर भी बात करना चालू कर दी और उसके दुकान में ही जो दवाई काटने के कैंची होता है उसके साथ मारपीट किए थे और साथ में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी सामने दुकान से ला करके उसको बहुत गंभीर रूप से मारा गया था। और कुछ राजनीतिक दबाव के कारण काउंटर केस बना दिया गया। वो भी जो गंभीर प्रकृति का अपराध था उसको बहुत नॉर्मल कंपाउंडेबल सेक्शन में अपराध दर्ज किया गया है, जबकि हमारे दुकान में घुसा है और हमको मारपीट किया और हमारे खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी संबंध में आज हम SP साहब से मिलने आए थे। आज SP साहब नहीं थे, तो SP साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन हम लोगों को दिया है। पुलिस प्रशासन की जवाबदारी सुरक्षा देना प्रत्येक नागरिक की उनकी जवाबदारी है और साथ में जो अपराध किया है उसका निष्पक्ष जाँच किया जाए और जो गंभीर चोटें आई हैं उसके हिसाब से कार्रवाई किया जाए, ये हम लोग का मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश रहेंगे। For more information, log on to www.clips.in.